तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉक टेक प्रिंस। फ्रेंड्स, आज ईजीपी ने बहुत बड़ा अपडेट कर दिया है और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अपडेट ही लाने वाला है। फ्रेंड्स, फाइनली फ्रेंड्स जो है ईजीपी ने पीजी सर्विस एक्टिवेट कर दी है। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेलर ही क्यों ना हो, सारी पैनल में जो है पीजी सेवा एक्टिवेट कर दी है, जिससे आप पेमेंट लोड कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और भीम यूपीआई, जितने भी यूपीआई कोड चल रहे हैं फ्रेंड्स, उन सबसे आप जो है पेमेंट लोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं लाइव दिखाऊंगा फ्रेंड्स, आप देख लेना। और आपको अगर आईडी पासवर्ड लेना है फ्रेंड्स, तो डिस्प्ले पे नंबर मैं शो कर दूंगा फ्रेंड्स। मैं इसका इजी पे का आईडी प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, चाहे आप रिटेलर बन जाओ, बहुत ही कम प्राइस में जहाँ पे रिटेलर आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स। मात्र 500 रुपए में आपको यहाँ पे रिटेलर आईडी मिल रही है फ्रेंड्स। अगर जिसको लेना है तो डिस्प्ले पे नंबर मैं शो कर दूंगा, जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इजी पे का रिटेलर आईडी ले सकते हो और पीजी सर्विस का जो है फायदा उठा सकते हैं। और आगे भी कुछ ऐसे अपडेट है फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, साइड में मोबाइल स्क्रीन चल रही होगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है काफी सारी सर्विस आप देखने के लिए मिल जाती है लाइव फ्रेंड, जैसे कि एपीएस। जो फ्रेंड्स ये एपीएस है फ्रेंड्स, ये वाला जो एपीएस है आप देख सकते हैं, ये वाला जो एपीएस है, एपीएस स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, ये जो है फिनो पेमेंट बैंक का जो है फ्रेंड्स, हमें जो है एपीएस मिलता है। और एम एटीएम में माइक्रो एटीएम यूज होता है, और बाई भी एपीएस में फ्रेंड्स हमें यस बैंक का एपीएस मिलता है। और आईसीआईसी बैंक में जो है फ्रेंड्स, अभी ये फाइनली जो है करंट टाइम में जो है काम नहीं कर रहा है। अभी आपको दो ही बैंकों के एपीएस इसमें काम करने के लिए मिल जाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें एक आईसीआईसी बैंक, सॉरी यस बैंक हो गया, और एक फिनो पेमेंट्स बैंक हो गया। ये दो बैंकों के एपीएस चल रहे हैं और पेमेंट फाइनेंस इसमें जो है बिल्कुल भी नहीं फंसता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं फंसता है, पर 99% भैया पेमेंट फंसने का कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि अभी मेरे पास एक दो कंप्लेन आती है बहुत ही रेयर केस में, जब पेमेंट फेल होता है या फंसता है, नहीं तो मेरे पास अभी कोई भी कंप्लेन नहीं आई है पेमेंट को लेकर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे आधार पे, ये आधार पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आधार पे भी आपको बहुत जल्दी लाइव होने वाला है। पर हम बात कर रहे हैं पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पीजी सर्विस को। तो यहाँ पे आप देखते हैं वॉलेट में मेरा 00 दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा डेमो आईडी है, और यहाँ पे एक प्लस का आइकन बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, तो हमें स्टार्टिंग में एंटर अमाउंट और एंटर नेम। तो यहाँ पे मैं जैसे 500 रुपीज में पिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना जो है नाम लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया और प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आपका वॉलेट मोबीक्विक से भी आप जो है पेमेंट ले सकते हैं, आप कार्ड वीजा मास्टर रुपए एंड मोर, बहुत ज्यादा कार्ड इसमें मिल जाएंगे आपको। यूपीआई से ले सकते हैं, नेट बैंकिंग से ले सकते हैं, वॉलेट से ले सकते हैं, और यहाँ पे लेटर से भी ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप कार्ड नंबर डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक ये फैच कर लेगा ये वो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे आपको जो फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो मैं मानता हूँ अभी तक किसी कंपनी में जो है फाइनली सबके पैनल पे जो है पीजी सर्विस एक्टिवेट नहीं हो रहा है। पहले काफी टाइम पहले चल रहे थे फ्रेंड्स, पर कुछ कारणवश से जो है सभी कंपनियों ने पीजी सर्विस जो है डीएक्टिवेट कर दी है। पर इजी पे ने सबके लिए, चाहे वो नया रिटेलर हो, चाहे वो पुराना रिटेलर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो, सबके पैनल में फ्रेंड्स पीजी सेवा एक्टिवेट कर दी है। अगर आपको आईडी पासवर्ड लेना है तो डिस्प्ले पर नंबर शो है फ्रेंड्स, आप बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे जो है रिटेलर आईडी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स जो मेन हाईलाइट फीचर था पीजी सेवा जो है एक्टिवेट का। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है आधार पे को लेकर। तो फ्रेंड्स आधार पे भी आपको जो है फ्री में ही मिलेगा, आपको इसका अदर कंपनी की तरह एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं लेना पड़ेगा। आपको जो पुराने रिटेलर है उनके पैनल पे ऑटोमेटिक से एक्टिवेट हो जाएगा आधार पे। सितंबर में आपको आधार पे कंफर्म लाइव मिलने वाला है। और एक खास अपडेट आ गया फ्रेंड्स, यस बैंक का जो यहाँ पे ई केवाईसी आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो है ई केवाईसी के द्वारा यस बैंक का एपीएस आप हैंड टू हैंड चला सकते हैं, यानी कि उधर अपने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर आईडी लेके और यस बैंक का ई केवाईसी करके आप तुरंत से अपना यस बैंक का एपीएस चला सकते हैं। और फिनो के एपीएस में आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, आपका वो भी बहुत जल्दी चल जाता है। और यहाँ पे कमीशन फ्रेंड्स आपको 9 रुपए तक कमीशन मिल रहा है। इस पर मैं एक अलग से फुल डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स कि हमें कमीशन कितना मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल के यही था कि भैया पीजी सेवा इसमें इजी पे में आ चुकी है,
जिससे आप पेमेंट लोड करके मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, ये सारी सर्विस का जो है फायदा यहाँ पे आप उठा सकते हैं। आपको कैसा लगा अपडेट मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और किसी को आईडी पासवर्ड देने तो डिस्प्ले पर नंबर मैंने शो कर दिया है, आप कॉल करके आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।